न्यूज 13 जय हिंद। न्यूज 13 की टीम आई है जोगेश्वरी के गुलशन नगर में। यहाँ पे आज जो है नीलेश दुबे, जो वर्सोवा यूथ कांग्रेस के वर्सोवा के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वर्सोवा विधानसभा के प्रेसिडेंट है, और वो एनजीओ जो है मुंबई जिद्दी मुंबई कर एनजीओ के साथ में मिलके आज यहाँ पे सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। तिवारी चौल में गुलशन नगर में सैनिटाइजिंग का काम जो है आज वो यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ 13 की ये रिपोर्ट। और हेलो, हाँ भाई, शाम को आते हैं। अभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, सारी गलियों में दवाइयाँ छिड़क रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, प्रकाश ठाकुर मेरा नाम है, जिद्दी में मेरा एनजीओ है। ओके, संस्था का अध्यक्ष हूं। ओके, आज मेरे वॉलंटियर है। ओके भैया, आपका नाम क्या है? नीलेश दुबे, हम जिद्दी मुंबई का सेवा संस्था की तरफ से जुड़े हुए हैं। ओके, एंड भैया आपका नाम? अभिषेक मोरे। ओके, तो भैया आप लोग सुबह से आई थिंक निकले हो दवाई के छिड़काव के लिए, राइट? तो आपने अब तक कितनी गलियों में छिड़काव किया है, मींस कितने एरिया हो गए कंप्लीट, कितने बाकी है समथिंग? लॉकडाउन हुआ है तब से हम अलग अलग पूरे 62 वार्ड में अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पे 8-10 शॉल हो गई है और आगे भी शाम तो हम करते ही रहेंगे। ओके, सो मीन्स अभी मतलब आपका टारगेट है कि पूरा एरिया, गुलशन नगर एरिया पूरा कवर करना है? हमारा असेंबली वर्सोवा असेंबली है, उसमें भी स्पेशल 62 वार्ड है हमारा टारगेट है, जिद्दी मुंबई का सेवा संस्था की हम पूरे वार्ड को सुरक्षित रखें। ओके, सो भैया आप मतलब अभी सुबह से आपने कौन कौन से एरिया कवर कर लिए हैं, और मतलब जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लेकर अब तक आपने कौन कौन से एरिया कवर किया, आप उसके बारे में बताएंगे? 62 वार्ड के क्रांति नगर, गुलशन नगर, तिवारी चौल, शुक्ला कंपाउंड, पीछे राजेंद्र मंदिर रोड है, और पीछे और मीन्स ये सब आपने कवर कर दिया है और आगे भी कंटिन्यू हम करते रहेंगे। आशियान टावर ऐसे पूरा हो चुका है। ओके, तो मीन्स ओशिवरा साइड का पूरा हो चुका है एंड आपका बस अभी ये एरिया ज़्यादातर बाकी है। एंड सर आपका नाम क्या है? यस, सो ये एनजीओ में आप मीन्स साथ में सब साथ में? ओके, सो आप आपके साथ में और कितने लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं? मुंबई का संस्था की पूरी टीम लगी हुई है, हम धुआं भी मरवा रहे हैं पूरे उसमें। ये टीम हमारे एक वॉलंटियर हमारे साथ लोगों का, ज्यादा हम जा नहीं सकते इसलिए हम 5-7 लोगों का ग्रुप बनाकर यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी जो दूसरी टीम है संस्था की, वो दूसरे गली में फॉगिंग कर रही है। ओके, सो मीन्स जब से एक लॉकडाउन चालू हुआ है तो फिर उसमें क्या नुकसान क्या फायदा आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नुकसान ये है कि मतलब सबके रोजी धंधे बंद है, फायदा कुछ हुआ नहीं, बस ये कि हम घर में सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकले। ये हम लोगों से भी, हमारी और संस्था की यही अपील है कि हम जितना ज़्यादा अपने आपको घर में रखें उतना हम सेफ रहेंगे। ओके, और मीन्स इससे फायदा क्या हुआ है? नाइट में भी काम करें, रात को 1-1.30 बजे हम सोसाइटी में बिल्डिंग वगैरह में बाहर, सोसाइटी ऐसा रहेगी वहाँ पर हम पीछे रात को, पिछले रात को 1-1.30 बजे हम फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम किया। तो मीन्स आप 1:30 बजे तक रोज जाग के मीन्स लोगों की सेवा कर रहे हो? मुंबई के संस्था को काम कर रहे हैं। सो मीन्स अब तक में मतलब आपने बहुत सारे कवर भी कर लिए एरिया को, और आप चाहते हो कि यहाँ पे सब कोरोना मुक्त रहे, राइट? सो आपका मीन्स मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये कि हमारा वार्ड 62 और हमारा वर्सोवा विधानसभा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचे और ये विधानसभा और पूरा देश सुरक्षित रहे। इन सबको कोरोना मुक्त करना आपका जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सो मच भैया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं उम्मीद करूँगी कि बाकी देश की जनता आपकी सहायता करे। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं करते।
कुछ भी नहीं है, नहीं। सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर है ये, वो बॉडी में भी मार सकते हैं आप। भाई शाबाश।